हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे शाही भिंडी। सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे। और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। फिर उसे थोड़ा गरम होने देंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 1/2 कटा हुआ अदरक, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 2 इलायची डालकर मिला लेंगे। अब इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां और 8 से 10 कटे हुए काजू डालकर मिला लेंगे। इसमें 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हम बड़ा ही काटेंगे क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। प्याज हल्के भुन गए हैं। अब इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालकर मिला लेंगे। अब इसे ढक देंगे और टमाटर को 2 मिनट के लिए पकने देंगे। दो मिनट हो गए हैं। अब इसे खोलकर चला लेंगे। हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का ही पकाना है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडा हो चुका है। अब इस पीस लेंगे। हमें इसको एकदम बारीक पीसना है। यह पिस गया है। अब इसको खोलकर चेक कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से पिस गया है। अगर आपका पेस्ट गाढ़ा होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी डालकर इसे दोबारा पीस सकते हैं। अब भिंडी बनाएंगे। पैन को गरम करेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। अब 500 ग्राम भिंडी लेंगे। हमने भिंडी को इस तरीके से बीच में से लंबा काट लिया है। अब इसको पैन में डाल देंगे और इसको थोड़ा चला लेंगे।
अब इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिला लेंगे। इसको हल्का लाल होने तक भून लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मिला लेंगे। अब ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको खोलकर देख लेंगे। देखिए भिंडी हल्की लाल हो गई है। आपने अक्सर नॉर्मली भिंडी खाई होगी, अब आप ये क्रीमी शाही भिंडी जरूर ट्राई कीजिए। अब गैस बंद कर देंगे और भिंडी को प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन को दोबारा से गर्म करेंगे और इसमें ये पेस्ट डालेंगे और चला लेंगे। अब इसमें एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और मिला लेंगे। इसमें से काफी अच्छी महक आ रही है। इसमें एक छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें भिंडी डालकर मिला लेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम डालेंगे। हम क्रीम को सेक करके ही डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। भिंडी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, नान या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।